देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। थाना देहात कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन साथी चोरों को चोरी के 18 सुअर, स्कॉर्पियो गाड़ी और अवैध असला सहित गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि विगत 4 मई की रात्रि में वर्धमान कॉलोनी से अभियुक्त रामपाल, सुखवेंद्र व रामू ने अपने अन्य तीन साथी मोहित, विशु व अंकित, जो कि फरार चल रहे हैं, उनके साथ मिलकर 18 सुअर चोरी किए थे, जिन्हें वह स्कॉर्पियो में भरकर हरियाणा ले जा रहे थे। देखिए, 4 तारीख की रात को वर्धमान कॉलोनी में श्री बाबूराम के घर पर सुअरों को चोरी करने का मामला हुआ और ये काफ़ी गंभीर घटना थी, क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर जो एक किलो भी उनका रोजी का जरिया थे वो वहाँ से चुरा के ले जाए गए थे, जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद से लगातार ही हमारी पुलिस लगी हुई थी, तुरंत ही मुकदमा की सस्ती किसी का प्रतिबंध किया गया और उसके बाद में पुलिस जो लगातार चुरागस्ती कर रही थी उसके आधार पर उसकी बरामदगी करने में पुलिस को हमारी टीम को सफलता हासिल हुई है। थाना कोतवाली के आज को सारे जानवर जो चोरी गए थे और साथ में 3 अभियुक्त जो इनको ले जा रहे थे वे सब जो गिरफ्तार हुए हैं और जानवर बरामद हुए हैं और साथ में जिस वाहन में ये जो है एक नई गाड़ी है, नई कार, लग्जरी कार के अंदर जो है जानवरों को भर के इनको ट्रांसपोर्ट करते थे और लिहाजा जो है एक गैंग ग्रुप में काम कर रहे थे, जिसको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और उसी के साथ साथ इन तलाशी लेने पर इनके पास से जो है 2 लोगों के पास से पलचे और एक के पास से चाकू बरामद किए गए, इसमें अभियोग को जिक्र करके आवश्यक निकाली। सर, कितने लोगों का गैंग? देखिए, ये जो गैंग था तो 6 लोगों का गैंग था, 3 लोग जो है जो घटना में शामिल रहे प्लस 3 लोग जो इनके इनको लेने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए आ रहे थे साथ में इनके गैंग के स्तर से वे जो है मौके से भाग गए हैं, उनकी तलाश जारी है। कुल अभी तक 6 लोगों के बारे में देखिए, चूँकि समय कम है तो इसलिए आपराधिक इतिहास के बारे में जो सरसरी तौर से जानकारी करी गई तो भी इनको पता चला है आपराधिक इतिहास में से कुछ लोगों का है और उसमें एक व्यक्ति जो इनका सरगना है वो काफ़ी गंभीर किस तरह की घटनाएं जो है यमुनानगर में करता रहा है। बाकी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में आसपास के थानों से, इनके रिहायश के थानों से जानकारी करी जा रही है, जब उसके बारे में सफलता मिलेगी तो हम उसको भी अपने अभियोग को भी दिशा में लेकर